उसमें से निकल नहीं रहा था नमक, और मैंने ये खोल के देखा, देखियो कितना कचरा कुचरा डंगा डूंगा, देख लो, देख ही सकते हो आप यहाँ नमक। नमस्ते, राम राम, कैसे हो, ठीक हो, स्वागत करते हैं कोई साथ। हम जा रहे हैं बाहर, आपको पता चल ही जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दियो। देखो लक्की ने, देख लो अड़काया हो रहा है, जमा ज्यादा अड़काया हो रहा है, देख लो। बात बताती हूँ, पानी की हो रही है बहुत ज्यादा तंगी। पानी नहीं है बिल्कुल भी यूज करने के लिए, पीने के लिए कुछ भी, नहाने के लिए है ही नहीं। आज बस एक बाल्टी पानी की थी, वो मैं नहा ली हूँ, बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। मम्मी भी ऐसे ही बैठी है, मम्मी का छोटे में मोरा हो गया, देखो टांका लगाना है। ब्रांड न्यू फोन में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बड़ी मस्त आ रही होगी पता है मेरे को। और ये लाइट देखो, यहाँ पे भी लाइट है, वहाँ पे भी लाइट है, हर एक कोने में लाइट है इसमें, गाड़ी में। अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से, शाम के बजे हुए हैं, 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो गए हैं। चलो भाई, ये देखो छत भी नजारे हैं, जिंदगी दे ले लेंदे है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है ना, अमर कैसा लग रहा है? ओके, गुड, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है नी, स्वर्ग में है। एक घर तो नहीं पछ गया, बहुत ही ज्यादा सुथरा था। देख कड़ा उड़ गया भाई, इतनी बड़ी बड़ी कोठी कड़ा गई है। देखो ब्रांड लोगों के घर देख के मेरे को कितनी खुशी हो रही, देखो कितना हो तेरी, ये कौन सी दुनिया में आ गया, देखो कितने बड़े बड़े घर है, ओए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ओहो अड्डे भी करा लोगों के, और इस तरफ भी रहेंगे हैं। यहाँ पे हम खाएंगे खाना, और इसका टेस्ट जो है ना, देखो हमें ये हिसार में है वैसे तो, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना हमें बरवाला से खींच के ले आता है। तो पता नहीं क्या कहते हो, लेकिन हम तो जो देसी हैं जी, तो इस करके हम तो ढाबा ही कहेंगे, होटल कहेंगे, छोटा मोटा छोटे मोटे को बोलते हैं ना होटल, तो जिसके जिसके आगे वो मंजी मंजी पर खाना देता है ना वो, लेकिन आज खाना खाएंगे। देखो कितनी अच्छी फीलिंग दे रही है, मेरे वाला पर्स जो है देखो गले में टांग रखा है, और कैसे जा रही है बहन जी की तरह, देखो मेरी मम्मी से तो ज्यादा मेरी उम्र दिखता है, लेकिन मेरी मम्मी बड़ी है, एंडी लग रहा है। हमें कुछ नहीं पता जी, देखो नहीं नहीं है इन चीजों में, मतलब कभी आए नहीं ना ये सब जो जिंदगी जी रहे हैं ना, ये सब जी नहीं हमने, तो इस करके हमें नहीं पता इस कप किसी को, इस कैदे को क्या बोलते हैं, हम तो कैदा ही बोलते हैं। देखो ये इसमें लिख रखा है कि इसमें ना अंग्रेजी में भी लिख रखा है क्या कुछ है, मतलब खाना है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ पालक पनीर का ही पता है, नहीं पता, तो इसीलिए देखो मंजीत है ना, मंजीत तो फटाफट से बोलता है, तो इसीलिए यही ऑर्डर करेगा, क्या करेगा मंजीत। एक तो कड़ी पहला, मशरूम चिल्ली वगैरह खाओगे खानी है, मशरूम चिल्ली दो प्लेट मशरूम चिल्ली आंटी खानी है। देखो जी मशरूम चिल्ली हमने खाई थी कर्नाटका में, और अब पता चल गया कि वो यहाँ पे भी मिल जाएगी है ना, है इसमें, इसमें है तो ठीक है, अब हम मशरूम चिल्ली खाओगे। देखो घड़ी सही होगी, ये घड़ी खराब हो गई थी, सेल खत्म हो गया था इसका, अभी पूजा करवा के लेके आए ऑर्डर खाना, और अब हम बैठे हैं इंतजार में है कब तक आएगा, कब तक आएगा, मुझे कब तक आएगा, 5 मिनट में आ जाएगा, मशरूम चिल्ली खुआएंगे आज मम्मी को। एंड आपको पता लग ही रहा होगा मैंने आज हेयर स्टाइल जो है वो मेरे वाला नहीं किया, आज मैंने ऐसे ही जूड़ा सा बना लिया है, क्या ना मेरे बाल गिले थे और मैं नहा के आई हूँ अभी, तब करके मैंने फिर बाल संवारे ही नहीं, तो अभी जाके गुद करवाऊंगी मम्मी से, मालिश मुलिश करवाऊंगी, आपको पता ही चले जाएगा। ये मशरूम चिल्ली जो है आ गई है अपनी, और ये हमने बोला तो था कि तिखी कर देना, मिर्ची मिर्ची फुल डाल देना, लेकिन दिख नहीं रही है, ये ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर तो ये मीठा मीठा ज़्यादा है, कुछ असर लगता है, लेकिन मुँह में बहुत पानी आ रहा है, जल्दी खा लो, खा जो जी खा लो, देखो खाना भी नहीं आता इसके साथ तो है। गाइस वो तो हमने खा लिया है जो भी आया था, एक बात बताऊँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैसूर में खाया था ना जो कर्नाटका में, वो ज़्यादा अच्छा था, छोटे छोटे पीस बना रखे थे उसके, तो मशरूम के ना मशरूम चिल्ली के छोटे छोटे पीस थे, और प्याज भी अच्छे से कट कर रखे थे, और धनिया वगैरह भी डाल रखा था, ये तो ऐसे ही लाल लाल कर दिया,
अब ये मत सोचना कि खाने पीने के बाद ऐसे बोल रही है, मैं तो पहले ही बोलने वाली थी लेकिन कोई वीडियो ही नहीं बना रहा था मेरी, इस चक्कर में नहीं बोला मैंने, मैं अंदर अंदर लिए बैठी थी अपनी बात पे। अब आएगा जी फटाफट से खाना और खाना खाएंगे। आ जाओ गाइस रोटी खा लो, देखो रोटी जो है आ गई है। नमक को मैं नमक तो मोरे काम कौन कर दे, इसमें से निकल नहीं रहा था नमक और मैंने ये खोल के देखा, देखियो कितना कचरा कुचरा डंगा डूंगा, देख लो देख ही सकते हो आप यहाँ नमक है। ये देख लो ऐसे काम है ही नहीं, देख रख तो लिया मैंने, अभी मैं खाऊंगी क्या, मेरे को डिस्टर्ब ना करियो कोई भी। अगली तेज फिर तो पता नहीं चला कि कितनी रोटी करनी है कितनी नहीं करनी है, 2-3 बोतल हमने पानी की पी ली और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कुल्फी का और ये कोल्ड कॉफ़ी पियोगा। कोल्ड कॉफ़ी तो मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि देखो 35 रुपये की एक रोटी लग गई थी, मिस्सी रोटी है तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया और 70 रुपये की आ गई, 70-80 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी, इसलिए आप तो एक कुल्फी से ही सार लेंगे है ना नवर मम्मी, आप तो कुल्फी तो ही खा लेंगे 70 रुपये में, हम तीनों ही खा लेंगे कुल्फी एक और ये 70 रुपये का एक कोल्ड कॉफ़ी पियोगा, बचत करनी चाहिए, वैसे भी जगह नहीं है पेट में खाली हो गया तुझे वैसे भी मंजीत पिएगा, मंजीत का मैं बाप हूँ ना तो इसलिए सारे शौक पूरे कर रहा हूँ, मंजीत मैं बाप हूँ उसका, इसको मैंने कई बार बोला है कि मैं तेरा बाप हूँ, मेरे आगे जवान ना लड़ाया कर तो देखो भी खाना कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा, मैं इधर बैठ जाऊं, देख यहाँ बैठ जाऊं, संजीत है यहाँ बैठ जाऊं मैं, हाँ भाई यहाँ पे बैठ जाऊं, खड़े होके यहाँ बैठ जाऊं ऊपर, तेरे को मेरी आवाज़ सुन रही है क्या, बोल रही हूँ मैं छत पे बैठ जाऊं मैं, हवा लग गई जमा आएंगी और बाल भी ऐसे और सूख देंगे जैसे एक्टर ने डूब जाते आज चलो चलते हैं गाइस, देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज गए, ये देखो 10 बज गए हैं, आ जाओ चलो बहुत लेट हो गया आज तो। हम जा रहे हैं हिसार से, हिसार में आए थे बस खाना पीना खाने के लिए और यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह चल रही है, पुलिस वाले खड़े हैं और है सच्चो गाइस हम पहुंचने वाले हैं बरवाला में, देखो पहुंच गए हैं और घर पे पहुंचने वाले हैं, बस जा ही रहे हो टकले जमा गुंडा लगा जी तो मामा ठाकुर किसी और का थोड़ी है, खुद का ही है लेकिन वही तो वो भीषण मन रहे मम्मी रोटी खाया ही हाँ, अब ठीक है अब खुश है ओके है तो चलन दे, अभी पहुंच गए हम, थोड़ी सी दूर रह गया घर, बरवाड़ा पहुंच गए हैं, ये आ गई हमारी फिरनी हमारे घर की फिरनी आ गई है, देखो बार बार से जा रहे हैं हम, आगे सड़क है काली काली और आगे टेम्पू भी जा रहे हैं, ये चार पाई कहते हो ना जिसको वही जा रहा है, देख सकते हो आप, आपको दिख रही होगी कि मैंने आज ये गन्नी पैर रखी है, देखो पैर रखी है ना, ये पार्सल में ही आई थी वैसे तो, ये मैंने इसलिए नहीं पहन रखी थी क्योंकि देखो ये जो मनके है ना इसमें यहाँ की जो लेडीज है ना ये ऐतराज करती हैं, बोलती है कि शादीशुदा डालती हैं ये वाले मनके जो है ये देखो ये, तो इसीलिए अब मैं ना पता क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं चैन बनवाऊंगी अब की बार, ये टारगेट लेके चलते हैं चैन बनवानी है मैंने, अब 4-5 महीने में बनवा लूंगी, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करूंगी और ये उसके अंदर डालूंगी लोकट, इसीलिए मैं पहनने रही थी इसको, इसीलिए मैंने रख रखा था, देखो जी चुगली मंडी स्टार्ट है सामने फाइनली घर पे आ गए हैं गाइस और देखिए आज अच्छी लग रही है ना प्रियंका, और बाल भी देखो कैसे कर रखे मैंने तो देख ही सकते हैं आप, और मैं अब नवे नवे जो ये सूट रख रखे थे ना मैंने अपने, ये मैं पहना करूंगी रोज नए नए सूट, क्या है ना बंदे का कुछ पता नहीं रहता तो जितने भी सूट होते हैं ना पद परोले कर देने चाहिए पहन पहन के, तो मम्मी देखो कितनी ब्लैक ब्यूटी
नहीं मम्मी बहुत सोहनी दिखा है, जमा सोहनी है मेरी मम्मी, देखो इतने सुंदर सुंदर बच्चे मम्मी के ही है, तो देखो कितने अच्छे हुई मम्मी। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, गुस्सा ना करियो, मैं भी काली हूं, काली नहीं काटती। मम्मी तो बोल रही थी कि ये बड़ी सुंदर लग रही है देखो, क्योंकि क्योंकि प्रियंका का गला जो है अब मोटा मोटा है ना, तो हड्डियां वगैरह तो दिखती नहीं है इधर से, पहले हड्डी दिखती थी यहाँ से ऐसे खड़ी खड़ी दिखती थी, तो अब हड्डियां तो दिखती नहीं है, इसीलिए तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ की जो पड़ोसन है ना, आंटियां है, ताई चाची है, जो भी, वो मुझे टोकती रहती है कि ये जो लाल मोती होते हैं ना, ये मतलब शादीशुदा लड़कियां डालती हैं जिनकी शादी हो जाती है, तो वो अपनी शादी शुदी तो हुई नहीं, इसीलिए मैं इस चैन बनवाऊंगी, चैन में डालूंगी इसको, फिर पहनूंगी। कपड़े चेंज कर लिए हैं दोस्तों, अब मेरी लात में हो गया है बहुत ही जबरदस्त दर्द, अब मैं इस पे पैर दबवाऊंगी, मेरे पैर में दर्द हो गया यहाँ यहाँ से, पता नहीं क्यों आधा शरीर जो है ना इस साइड का, ये आधा सिर दुखता रहता है, आधी बॉडी में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और मैं ना ये सोचती रहती हूँ कि मैं जाऊंगी चेकअप करवाने, जाऊंगी सर बढ़िया डॉक्टर से चेकअप करवाने, लेकिन आज भी देखो खाना खाने के लिए गए थे हम तो रात को गए थे, जिस दिन दिन में जाऊंगी ना उस दिन चेक करवा के आऊंगी। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, अपने अपने ही हो आप तो, बिना कहीं कर दिया करो।